हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इंस्पिरॉन 3520। डेल का जो 3000 सीरीज में बेसिकली नॉर्मल लैपटॉप आता था, बट अभी डेल ने 3000 सीरीज में मेटल बॉडी के साथ लैपटॉप निकाला है। उस मॉडल का नाम है इंस्पिरॉन 3520। बेसिकली मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, तो हम लैपटॉप को करते हैं अनबॉक्सिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए लैपटॉप्स की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आता है i5 12 जनरेशन के साथ है, और विंडोज़ 11 MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम फ्री आता है डेल में, और 8GB रैम है, 512GB SSD के साथ है। हमारा लैपटॉप आ गया। इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या हम देखते हैं, चार्जर चेक कर लेते हैं पहले। चार्जर वही है, 65W का आएगा नॉर्मल पिन के साथ ये, और एक पावर केबल के साथ है। और आपको लैपटॉप में ये तीन चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं लैपटॉप को चालू करके आपको दिखा देता हूँ। फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन भी मिल जाता है, और बैकलाइट कीबोर्ड का भी ऑप्शन है। तो डेल के इंस्पिरॉन 3000 सीरीज में जो एक्स्ट्रा फीचर मिला आपको बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, और फिंगरप्रिंट रीडर है, और इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्राफिक वाला भी ऑप्शन है, नॉन ग्राफिक भी ऑप्शन है वैसे तो। बाकी फिंगरप्रिंट एक अच्छा ऑप्शन है जो डेल के 3000 सीरीज में बेसिकली बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही आता था पहले, पर इसमें आप फिंगरप्रिंट रीडर भी है, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया। तो इसका पोर्ट वगैरह की बात करें तो उसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो दो एक USB पोर्ट है, HDMI केबल है, और एक चार्जिंग पोर्ट है। इस साइड की बात करते हैं कि SD कार्ड पोर्ट है, और सेकंड USB पोर्ट, इस वाले पोर्ट की बात करें तो इसमें SD कार्ड है, USB पोर्ट है, और ऑडियो जैक है। इस वाले में लैपटॉप में आपको कैमरा शटर भी ऑप्शन मिल जाता है, बेसिकली प्रीमियम लैपटॉप में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको कैमरा शटर का ऑप्शन है, तो एक अच्छी बात है। 15.6 डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, और 250 की ब्राइटनेस लेवल है, 120 हर्ट्ज के साथ आता है ये। तो अभी हम इस लैपटॉप को चालू करते हैं। हम लैपटॉप के एक बार परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसमें जो आपको मिलता है 10 कोर के साथ आता है, और 12 थ्रेड्स है। बैश स्पीड इसकी जो आ रही 1.30। मेमोरी चेक कर लेते हैं, स्पीड 3200 मिलता है। इसमें आपको 8GB रैम के साथ एक और स्लॉट आपको खाली मिलता है, तो आप इसको एक्सटेंडेबल 32GB रैम तक कर सकते हो। प्लस इस लैपटॉप में आपको एक हार्ड डिस्क का स्लॉट भी मिलता है, तो उसमें हार्ड डिस्क भी सपोर्ट कर सकते हो। तो एक प्रीमियम लैपटॉप में जो होना चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। और कभी बस कैमरा क्वालिटी की बात, कैमरा क्वालिटी चेक कर लेते हैं।
कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब जो नॉर्मल डिस्प्ले क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, कैमरा क्वालिटी है बहुत ही स्मूथनेस, वीडियो चल रही है और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है और कम्फर्ट व्यू डिस्प्ले के साथ है, टीवी सर्टिफिकेट है